गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर्ट की क्लास में। आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक पेज नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 14 टॉपिक है वर्ड स्टडी। कंप्लीट द गिवन पिक्चर एंड कलर इट एज पर द एग्जांपल गिवन द बॉर्डर। तो यहाँ पे कुछ पक्षी बने हुए हैं, हमने आज बर्ड्स की स्टडी करनी है। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट स्टेप वन से। स्टेप वन में देखिए कैसे ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहले हम बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप वन के अंदर है एक सर्कल और एक ओवल, ठीक है, और एक शेप है यहाँ पे और ये, ठीक है। और ये सर्कल से इसको अटैच किया और ये थोड़ा सर्कल इसके पास है, ओवल थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये इसके साथ टच कर दिया है और ये हो गया, ये पंख और ये बन जाए एक टेल और इसको थोड़ा ऐसे। देखिए कितना इजी है एक पक्षी बनाना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सर्कल, ओवल और ये, इसको भी हम यहाँ से अटैच कर देंगे। और ये इसके पंख बन जाएंगे, ये देखिए ये बन गया। ये बन इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना, बड़ा कर सकते इसको। ये हमने रफली बनाया था और पेंसिल बिल्कुल लाइट चलानी है आपने, इतनी डार्क नहीं चलानी। ये मैंने दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा डार्क किया है, ठीक है। और इनको फाइनल के लिए आप, फाइनल टच के लिए आप ब्लैक पेन के साथ आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। आउटलाइनिंग के बाद हम करेंगे इसमें कलर। कलर के लिए यहाँ मैं पेंसिल कलर यूज़ करूँगा। आप अगर आपने क्रियोन कलर यूज़ करने हैं तो आप क्रियोन कलर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट हम कलरिंग। तो सबसे पहले हम जो स्मॉल सा ये पक्षी है इसमें हम करते हैं, इसमें एक तो ग्रीन, लाइट ग्रीन है और डार्क ग्रीन है। पहले हम लाइट ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लाइट ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, और लाइट ग्रीन यहाँ पे और इसकी टेल। अब करते हैं हम डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन से हम थोड़ा सा यहाँ पे शेड करते हैं इसके। अब हम करते हैं इसका ये पंख, इसमें है रेड कलर,
ये रेड कलर भी हो चुका है। और उसके बाद है ब्लू कलर, ये देखिए अब बारी है येलो की। ये देखिए हो गया। इसके बाद हम पैर में करेंगे इसमें स्किन कलर, और आप इसकी चोंच में रेड भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं, या हमें रेड कलर यूज़ करना। देखिए ये हो चुका कंप्लीट। अब बारी है इसके, इसको हम स्काई ब्लू से स्टार्ट करते हैं। अब हम डार्क ब्लू से शेड करते हैं। अब करेंगे हम यहाँ पे रेड कलर। इसके बाद यूज करेंगे येलो। यहाँ पे हमने रेड येलो और ब्लू यूज किया, और रेड और येलो प्लस ऑरेंज बन जाता है, और येलो प्लस ब्लू ग्रीन बन गया। देखो कितनी अच्छी शेड आ गई। जब इन तीनों कलर को मिक्स करते हैं हम तो नए कलर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ग्रीन हम यहाँ पे भी येलो को अगर करेंगे तो देखो ग्रीन शेड दिखाई देगा। इसके बाद ब्लू यहाँ पे शेड है, और रेड करेंगे हम इसकी चमकनी कलर। यहाँ पे मैं कलर यूज करूँगा पिंक। ठीक है ये हो चुका है पैर में, ठीक है ये हमारे कंप्लीट है। अब बारी है कि राज की, इसमें मैं
यूज़ करूँगा कलर है जो हमारा ब्राउन, येलो ब्राउन। ये हो गया येलो ब्राउन, और इसके साथ ही डार्क ब्राउन से हम शेडिंग कर देंगे। ये हो गई किसी शेडिंग, ठीक है। अब बारी है लिप्स की। लिप्स में पहले हम करते हैं लाइट कलर, और अब करेंगे डार्क ग्रीन से शेड। और बैकग्राउंड में हम कर देंगे हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कलर भी हमारा हो चुका है। तो ये ऐसे हमारा इतना इजी मेथड से आज ये कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 14। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया और आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके बेटा, थैंक यू।